क्या धर्मेंद्र की बेवफाई पर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ऐसा कह सकती है? शायद दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति के दूसरी पत्नी के बारे में ऐसा नहीं कहेगी। इस वक्त धर्मेंद्र के पोते करण देओल की शादी छाई हुई है। इस शादी को देओल परिवार ने किस तरह बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया ये तो दुनिया जानती है, लेकिन इस शादी में धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने कदम नहीं रखा। शादी में धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ जाम में इश्क लड़ाते हुए दिखे। दोनों की ये पिक्चर देखकर प्रकाश कौर को वो बयान याद आ गया जब उन्होंने धर्मेंद्र की बेवफाई पर और हेमा मालिनी से शादी के बाद उन्होंने मीडिया को दिया था। प्रकाश कौर ने जिंदगी में पहली बार मीडिया वालों को इंटरव्यू दिया था और उनका कहना था कि कोई भी मर्द होता तो मेरी जगह हेमा मालिनी को चुनता। मेरे पति ने ऐसा किया तो इसमें गलत क्या है? कोई मेरे पति को औरतखोर कैसे कह सकता? प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा दोष है। उन्होंने कहा था आधी इंडस्ट्री ऐसा कर रही है, सारे हीरोज का अफेयर है और वो दूसरे शादी कर रहे हैं। मेरे ससुर भी फिल्म स्टार के खिलाफ थे। जानती हूँ कि उनका खुद का बेटा भी एक्टर है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा हीरो बने। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी साल 1954 में हुई थी, तब वो हीरो नहीं बने थे। उस वक्त धर्मेंद्र की उम्र सिर्फ 19 ईयर थी। शादी के इतने साल बीत गए लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर कभी अलग नहीं हुए। लेकिन इतने सालों में प्रकाश कौर ने कभी हेमा मालिनी की सूरत नहीं देखी। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप देओल परिवार के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मजीद ऐसी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।